सम्या की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चूरमा। आप लोगों को लॉकडाउन में चूरमा खाने की या कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही हो तो चलिए तीन चीज़ों से बनाते हैं चूरमा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पास जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारी रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए चूरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ 500 ग्राम आटा लिया है गेहूँ का और आधा कप मैंने यहाँ घी लिया है और पानी। अब इसको पहले आटा को हमें लगाना है। मैंने यहाँ 500 ग्राम आटा लिया, फिर से बता रही हूँ, मैंने आधा कप मोइन के लिए घी लिया है। घी ही लेना है आपको, तेल नहीं लेना है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और हमें दोनों हाथ से मिक्स करना है ताकि अच्छे से मोइन हमारे चारों तरफ जा सके। मिक्स होने के बाद इसमें हल्का हल्का पानी डालना है, एक साथ पानी नहीं डालना है, हमें आटा जैसा नहीं गूंथना है। इस आटे को हमें ज़्यादा नहीं गूंथना है, चिकना आटा नहीं लगाना है। देखिए चूरमे के लिए आटा मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको लोई बनाएंगे। देखिए चिकना एकदम लोई नहीं बन रहा है, ऐसे ही करना है हमें भी। जब हम ज़्यादा पानी डालेंगे तब चिकना बनेगा और कम डालेंगे तो चिकना नहीं होगा आटा। देखिए सारे को हमें ऐसे ही लड्डू हमें बनाना है। बना लिया है मैंने, पहले सेकना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ बाटी वाला ओवन ले रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं हो तो माइक्रो ओवन भी ले सकते हैं, उसमें सेक सकते हैं। और इसको मीडियम फ्लेम रखना है गैस का और उस पर सेकना है हमें। और इसको थोड़ी थोड़ी देर में आके हमें चेक करते रहना है कि बाटी हमारा सीका है या नहीं। अंदर तक पूरी तरह से सेकना है ताकि हमारा चूरमा का टेस्ट कच्चा ना लगे। देखिए फिर से आके पलटना है। और गैस का फ्लेम लो नहीं रखना है ना हाई रखना है, हमें मीडियम ही रखना है। अब पूरी तरह से हमने इसको सेक लिया है। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। बर्तन में निकालने के बाद इसको गरम गरम हमें एक कपड़े की सहायता से फोड़ना है ताकि हमारा हाथ ना जले। देखिए कितना अंदर से क्रिस्पी अंदर से भी हो गया है और ऊपर से तो हुआ ही है। ये ठंडा हो गया है। अब इसको मिक्सी वाले जार में हमें पीसना है, थोड़े थोड़े करके पीसना है, एक साथ सारा नहीं डालना है हमें, और बारीक पीसना है। देखिए इतना बारीक होना चाहिए। और इसको एक बर्तन में निकालना है। अब इसको एक चम्मच की सहायता या हैंड से फैलाना है। मैंने यहाँ 2 कप शक्कर लिया है, इसको मिक्सी में पीसना है हमें। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप इलायची भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ कुछ भी नहीं डाला है। शक्कर को मैंने एकदम बारीक पीस लिया है, ये जल्दी से पीस जाता है शक्कर। अब इसको भी डालना है उसी के अंदर और इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स होने के बाद अब ये मैंने यहाँ 1 कप घी लिया है
अब इसको थोड़ा गरम करेंगे। घी डालने से पहले इसको अच्छे से दोनों हाथों से हमें मसलना है ताकि शक्कर पूरी तरह से अच्छे से मिल जाए। अब हमें घी मिलाना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें घी मिलाना है, सारा एक साथ नहीं डालना है। फिर से हमें दोनों हाथों का यूज करना है ताकि घी भी अच्छे से मिल जाए। जब हमें घी की जरूरत होगी तभी डालेंगे। हम पहले चेक करेंगे कि लड्डू इससे बन रहा है या नहीं। अगर नहीं बन रहा हो तो हमें घी डालने की जरूरत है, अगर बन जा रहा हो तो हमें नहीं डालना है। देखिए इतना घी बच गया है, अब आधा कप ही घी लगा है, मैंने एक कप लिया था। अब इसको लड्डू बनाएंगे। देखिए अच्छे से बन रहा है, इसमें घी की जरूरत अब नहीं है। अब एक एक करके हमें सारे लड्डू ऐसे ही बनाना है। आपको छोटा बड़ा जैसा भी चाहिए आप बना सकते हैं। मैं यहाँ मीडियम साइज के लड्डू बना रही हूँ। चूरमा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसको 5 से 6 दिन तक फ्रिज में भी रख सकते हैं और आप डेली एक कप खा सकते हैं। आप लोगों को चूरमे की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ईट हेल्दी बी हेल्दी। बाय बाय।